तो दोस्तों वर्ल्ड कप आ गया है करीब और मेरे साथ जुड़ गया है गरीब। तो इस वर्ल्ड कप में दो गरीब मिलकर कोशिश करेंगे अमीर बनने की, पर इस अमीरी में रिस्क है, यू कहूँ तो जोखिम है, बट वी आर रेडी टू प्ले नथिंग एल्स बट ड्रीम इलेवन। भाई तो रहने दे, तब तक ड्रीम इलेवन पर टीम बना। अबे वही करने आया हो, यहाँ पर ड्रीम इलेवन पे टीम बनाने ही आया है दोस्तों, इसको बताओ यार जरा, वी आर हियर टू मेक अ टीम इन ड्रीम इलेवन। और सबसे पहली बात मैं बता दूँ कि कल ओपनर मैच है इन द सुपर 12 बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, तो उसके ऊपर हम टीम बनाने वाले आज, सो लेट्स सी क्या हो सकता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो अभी कल का पहला मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और आप सोच रहे होगे कि डिस्काउंट कैसे मिल रहा है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ कि फर्स्ट 6 मैचेस के लिए आपको डिस्काउंट मिलेगा इन द वर्ल्ड कप, क्योंकि ये कुछ इनका गिव अवे है या कुछ, मैं अभी आपको दिखा देता हूँ फटाफट अगर आपको नहीं पता हो तो, जैसे ये ऑडी कार वगैरह भूल जाओ, किसी को नहीं मिलने वाला। ये रहा, जैसे यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ 25% ऑफ ऑन मेगा कॉन्टेस्ट फॉर द फर्स्ट 6 मैचेस। तो जल्दी से जल्दी घुस जाओ यार ड्रीम इलेवन में, पहले 6 मैचेस में आपको अच्छा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो वही डिस्काउंट है यहाँ पर, तो आज उसी के ऊपर टीम बनाएंगे। फर्स्ट आने वाले को 1 करोड़ रुपये मिलेंगे यार, हम अमीर हो जाएंगे विपुल, 1 करोड़। अमीर होना है कि नहीं होना है भाई? लालच बुली भरा है, बुली भरा है, वाह। बुरी बुरी भला के जगह बुली भरा है, दिस गाय इज क्रेजी। तो गाइस ये हम लोग अभी टीम अनाउंस कर रहे हैं। सो विकेट कीपर चॉइस, मेरा फर्स्ट चॉइस डेवन कॉनवे। तो भाई विपुल तेरा क्या चॉइस है विकेट कीपर? बहुत क्लोज था मैं गोलकीपर बोलने से अगेन, सो तेरा क्या चॉइस है? मैंने वेड रखा है। कौन? वेड वेड वेड, ओके मैथ्यू वेड। मे बी लैग हो रहा है स्ट्रीम, तो मुझे लग रहा है, आई डोंट नो क्या सुना मैंने, तो ठीक है। तो तूने एक ही विकेट कीपर रखा है या दो? मैंने एक ही रखा है। ओके बैट्समैन कितने रखे? मैंने बैट्समैन 4 रखे हैं। ओके सो गो थ्रू इट, बता चल अपने 4 बैट्समैन। ओके स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट, मैंने उसे कैप्टन भी रखा है ऑफ कोर्स डेविड वार्नर, फकिंग बिच। सेकंड इज मार्टिन गप्टिल, थर्ड इज मिचेल मार्श, एंड फोर्थ इज विलियम्स। अरे ये एक नंबर का चोर है गाइस, ऑफ कैमरा जो हुआ ना ये एक नंबर का चोर है ये। मैंने इसको क्या बोला पता है, हम लोग का एक एक्चुअली क्लिप स्पॉइल हो गया था, तो मैंने इसको बोला यार मिचेल मार्श स्ट्रॉन्ग दिख रहा है एंड वार्नर कैप्टन मटेरियल दिख रहा है, ये देख लो ये बंदा कैप्टन उतार के एकदम कॉपी एकदम, यू नो मैंने भी 4 बैट्समैन लिए है, वार्नर मार्श विलियमसन एंड टिम डेविड, और मैंने वार्नर को कैप्टन बनाया एंड विलियमसन इज वाइस कैप्टन फॉर माई टीम, क्योंकि मेरे को एक स्टेबिलिटी चाहिए एज अ वाइस कैप्टन। और वार्नर का तो मैंने उस क्लिप में स्पॉइल हो गया बट वापस बता देता हूँ, वार्नर बहुत ही अच्छे फॉर्म में रिसेंटली, इवन फिंच अच्छे फॉर्म में अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एंड मार्श डिस्ट्रक्टिव है विद द बॉल एज वेल, और टिम डेविड पावरफुल बैट्समैन, विलियमसन इनिंग संभाल के खेलने वाला बंदा। तो ये मेरे 4 बैट्समैन हैं एंड विपुल के भी 4 बैट्समैन आप लोगों ने सुन लिए। मूविंग ऑन टू द ऑलराउंडर्स, तो आई हैव गॉन विद 2 ऑलराउंडर्स और दोनों स्पिनर बैट्समैन। द फर्स्ट इज ऑब्वियसली ग्लेन मैक्सवेल, जो बहुत सारे लोग चॉइस कर चूज करने वाले हैं, एंड द सेकेंड इज मिचेल ब्रेसवेल। मिचेल ब्रेसवेल लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स एंड आई थिंक वी हैव मैच्ड अगेन, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और बैटिंग करता है इन 3 डाउन आई थिंक, तो मैंने टेस्ट मैच में देखा था ही इज़ वेरी गुड इन बैटिंग। तो विपुल तूने भी सेम चॉइस किया आई थिंक? मैंने भी दोनों सेम चूज किया। तो इसमें से किसी को वाइस कैप्टन बनाया है ऐसे ही? नहीं। ओके सो बॉलर्स तू बता भाई, 4 बॉलर्स ही होंगे ऑब्वियसली। हां तो 4 बॉलर्स में टीम सऊदी पहले, ओके सेकंड इज हेजलवुड, ओके और वो मेरा वाइस कैप्टन है। ओह नाइस, एक्चुअली बहुत अच्छा चॉइस है। फिर और अपना बोल्ट, ओके एंड चौथा कौन है? थर्ड फर्गसन। सो एक ही प्लेयर हम लोग का मैच नहीं कर रहा है, सो आई हैव गॉन विद 4 एज वेल ऑब्वियसली, जॉश हेजलवुड, ट्रेंट बोल्ट, लॉकी फर्ग्यूसन और एडम जैम्पा द लेग स्पिनर। सऊदी मैं एक्चुअली कंफ्यूज था बिटवीन सऊदी, जैम्पा एंड मिचेल स्टार्क, स्टार्क को भी हम लोगों ने लेफ्ट आउट किया दोनों ने। तो मैं अपना रीज़न बता देता हूँ मैंने ये टीम क्यों सिलेक्ट किया। ऑब्वियसली
ऐसा न्यूज़ आया है कि इट इज़ अ बैटिंग पिच, वो जो पिच पे मैच हो रही है उसको कंसिडर किया जाता है बैटिंग पिच, एवरेज स्कोर 165 रन का है, एंड स्पिनर्स को बोला जाता है कि वो लोग ट्रिक कर सकते हैं इस पिच पे, बट हेजलवुड वगैरह ने ये दिखाया है कि पेस के साथ इस गेम को अलग किया जा सकता है, एंड लॉकी फर्ग्यूसन ने जॉश हेजलवुड को एक्स्ट्रा पेस मिलती है, एक्स्ट्रा बाउंस मिलती है, तो ये थोड़ा एक्स फैक्टर है जो मुझे लगता है कि थोड़ा बैट्समैन को ट्रबल दे सकते हैं, तो मेरे बॉलर की सिलेक्शन इसके लिए है, एंड जैम्पा मैक्सवेल एंड ब्रेसवेल इसके लिए है फॉर द रीज़न ऑफ स्पिन, एंड बोल्ट तो मिस आउट नहीं कर सकते उसको, यॉर्कर्स भी अच्छे हैं एंड स्विंगिंग कंडीशंस में तो भाई वो फाड़ देता है, बैट्समैन वार्नर मार्श एंड डेविड पावरफुल डिस्ट्रक्टिव T20 बैट्समैन, ऑस्ट्रेलिया के डायमेंशन बड़े हैं तो डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, विलियमसन जो मुझे थोड़ा सेफर साइड पॉइंट्स लगा कि पॉइंट्स निकाल सकता है, आई कुड हैव गॉन फॉर डैरिल मिचेल और मार्टिन गप्तिल, मुझे लग नहीं रहा कि मिचेल शायद स्टार्ट करे या ना करे पता नहीं, एंड कॉनवे एज माई विकेट कीपर, वेड को लेफ्ट आउट करना पड़ा अनफॉर्चुनेटली, बट कॉनवे ओपन कर रहा है तो आई हैव टू गो फॉर हिम, विपुल कुछ एक्सप्लेनेशन या बस भगवान भरोसे? मेरा तो भाई पूरा भगवान भरोसा है। मेरे को वही चीज है जो प्लेयर्स को मैंने सुना है, जो प्लेयर्स को मैं जानता हूँ, या फिर कहीं ना कहीं उनका कोई वीडियो या क्लिप देखा हुआ होगा, किधर नाम याद है उस यूट्यूब हिसाब से मैंने हाइलाइट्स, डाला यूट्यूब है। हाइलाइट्स और अभी कुछ ऐसे ही 2 मिनट में मेरे को जो नॉलेज मिला है कि बोलते हैं ना, जो प्लेयर सरप्राइज कर सकता है, कोई प्लेयर कोई बैट्समैन 2 रन पे आउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें, तो वही लक का खेल है। तो मैंने एक तरीके से वैसी टीम बनाई है कि कुछ भी हो सकता है, ये तो होता है लेकिन यार। हाँ हाँ वही थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीम बोलते हैं ना, ओवरऑल लोगों लोगों ने जो जिनको ज्यादा सिलेक्ट किया है उस हिसाब से भी एक टीम बनाई है। हाँ तो वो जो पॉइंट था जो बात बोल रहा था अभी तूने कि 0 पे आउट हो सकता है, 2 पे आउट हो सकता है, ये चीज़ तो है, विराट कोहली को लोग सिलेक्ट करते थे कि ही इज़ अ बिग बैट्समैन, और कोई लेफ्ट आउट करता था तो लोग बोलते थे अरे बाप रे तूने विराट कोहली को लेफ्ट आउट कर दिया, तूने रोहित शर्मा को लेफ्ट आउट कर दिया, बाबर आजम को लेफ्ट आउट कर दिया, भाई वो लोग भी तो 0 पे आउट होते, वो लोग भी तो सिंगल डिजिट स्कोर्स पे जाते हैं, तो बुरे दिन तो आते हैं, तो अपने दिल से खेलो, अपने आप को जैसा फील होता है वैसा खेलो, दूसरे क्या कर रहे हैं मैं या विपुल कैसी टीम बना रहे हो इस पर मत जाओ गाइज, आप लोग अपने हिसाब से टीम बनाओ और रिस्क फ्री खेलो यार, ये वर्ल्ड कप गिविंग वर्ल्ड कप है, और जैसे कि मैंने बताया नहीं होगा शायद या बता दिया है कि ऑडी कार्स हैं एंड गोल्ड्स है, कैश है, एवरी एवरी डे टू विन पूरा वर्ल्ड कप, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, जस्ट गो गो फॉर एवरीथिंग, अगर आपके फाइनेंस है अच्छा तो बस घुस जाओ यार ड्रीम इलेवन में थोड़ा, एंड क्या पता आपका लक चमक जाए एंड यू विन द बिग बिग प्राइस, द मेगा प्राइस, तो ये तो हमारी टीम थी, वही बताने आए थे फॉर द न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया गेम, अंटिल देन सी यू गाइस फॉर द नेक्स्ट वीडियो, शायद हम लोग इंग्लैंड और जिम्बाब्वे भी करेंगे तो उसके लिए भी ट्यून इन हो जाओ, पीस आउट।